हेलो स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेलकम टू जो स्कूल स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा जो सैनिक स्कूल का आपका रिजल्ट आया है बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर मुझे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा कि नहीं हम लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा कि नहीं मेरे इतने मार्क्स हैं क्या मैं फाइनली सलेक्ट हो जाऊँगा तो इन सारे डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे इस लिस्ट के लिए ऑफिशियल लिस्ट है ये आपका सैनिक स्कूल का जो आपका रिजल्ट आया था उसमें किस मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा मैं उसका एग्जैक्ट नेम रोल नंबर वो आपको दूंगा लिस्ट में फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस किसके ज़्यादा हैं मतलब जो टॉपर्स हैं उनका क्या सीन है और एग्जैक्ट नेम नेम एंड रोल नंबर की बात करेंगे कोई हम ऐसा एक्सपेक्टेड बात नहीं करेंगे कि भाई ऐसा हो सकता है ऐसा हो जाएगा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं क्लियर तो मैं आपको क्लियर कट आपको बताऊंगा चलिए ये ये अगर आप सैनिक स्कूल की, की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे आप ऑफलाइन कैंपस को ज्वाइन कर सकते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी कराई जा सकती है तो हमारे कैंपस को विजिट करिए डिसाइड करिए वेदर इट इज़ फिट फॉर यू और नॉट ये हमारी लाइव क्लासेज है आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं टू डे टू फ्री क्लासेज मिलते हैं टू डेज फ्री क्लासेज इसमें और क्लियर लाइव क्लासेज इस, uh, इस कोर्स को परचेज करिए हमारा और ये हमारे प्लेटफॉर्म है क्लियर तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं लाइव क्लासेज के थ्रू सैनिक स्कूल या अदर आर या अदर एंट्रेंस स्कूल की तैयारी करना तो देखिए मैं इस वीडियो में सिर्फ़ आपको आज यू के यूपी स्टेट को कवर करूंगा क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी बन जाएगी बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग लेके आऊंगा ये मैं यूपी स्टेट्स की लेके आया हूँ यूपी स्टेट्स में तीन सैनिक स्कूल है अमेठी झांसी और मेनपुरी तीन सैनिक स्कूल है तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी अमेठी सैनिक स्कूल की हम किसकी बात कर रहे हैं अमेठी सैनिक स्कूल की क्लियर अमेठी सैनिक स्कूल है यूपी में चलिए इसको देखते हैं हम अब इसमें क्या है ये इसको हाँ देखिए सबसे पहले इसमें वैकेंसी देखिए इस साल जो 2022 में वैकेंसी थी कितनी थी कितने बच्चे लेने थे बॉयज़ की जो वैकेंसी थी वो 80 थी और गर्ल्स की 10 वैकेंसी थी तो बॉयज़ की 80 थी उसमें भी अगर मैं इसको डिवाइड कर दूँ एज पर रिजर्वेशन जो ऑफिशियल सैनिक स्कूल का रिजर्वेशन होता है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको डिवाइड करूँ तो होम स्टेट में ट्वेंटी जनरल कैटेगरी से बॉयज अदर स्टेट से टेन ये लिए जाने थे आपके फिर ये ये होम स्टेट से ये टोटल टोटल वैकेंसी है और ये अदर स्टेट से टोटल वैकेंसी है क्लियर तो इस इस अकॉर्डिंग ये लिए जाने थे इसमें भी अलग अलग जनरल में इक्कीस सेलेक्ट होंगे ओ में फिफ्टीन तो ये चार्ट बना दिया है अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए अब इसके अकॉर्डिंग अब वन रेशो थ्री में मेडिकल में बुलाएंगे वन रेशो थ्री में मेडिकल में बुलाएंगे तो हमने ये लिस्ट तैयार कर ली लिस्ट आपके सामने है देखिए इसमें क्या बहुत ही मेहनत करिए हमारे जो जो हमारी टीम है बैक टीम में बहुत मेहनत करके लिस्ट निकाली है मैं बात कर रहा हूँ अमेठी की यूपी की होम स्टेट की बात कर रहे हैं हम जनरल कैटेगरी की मेल की बात हो रही है मेल की बा, बात हो रही है मतलब बॉयज की बात हो रही है क्लियर तो जो टॉपर रहे हैं प्रतीक सिंह टू के साथ टॉपर रहे हैं वो और ये ये बच्चे अगर इन ये मेडिकली फिट होते हैं तो ये जो आपके ग्रीन वाले ये फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे अगर ये मेडिकली फिट होते हैं और अगर इनमें से कोई बच्चा मेडिकली फिट नहीं होता है तो नीचे की लिस्ट का नंबर आएगा मतलब ये सारी लिस्ट यहाँ तक ये बच्चे सारे मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे अब इनमें से जो मेडिकली फ़िट होते हैं वो ऊपर से लेके नीचे तक सीरियल वाइज उनको सेलेक्ट किया जाएगा लेट अस सपोज़ मान के चलिए ऊपर के सारे बच्चे मेडिकल फ़िट हो जाते हैं तो इनका कोई नंबर नहीं आएगा इनको अपने इस इंतजार में नहीं रहना चाहिए कि भाई मैं तैयारी में लग जाऊं नहीं उनका कोई नहीं होने वाला वो मेडिकल के लिए जाएंगे बट फाइनली सिलेक्ट नहीं होंगे लेटर सपोज ये बच्चे उन्होंने मेडिकल में बुलाए ऊपर के और इनमें से दो तीन बच्चे मेडिकली फिट हो गए तब नीचे वाले बच्चे का नंबर आएगा मेडिकली अनफिट होने पर ठीक है तो टॉप से है ये ये सीरियल वाइज है टॉपर है तो देखो इसमें प्रतीक सिंह सिवा, सिवानश गर्ग टू सेवेंटी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स है टू सिक्स से बहुत बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं कल तो ये 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 बच्चे बट अब ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि भाई मेडिकल मेरा कॉल आएगा कि नहीं है अब मैथी यूपी सैनिक स्कूल से इन बच्चों का मेडिकल कॉल आएगा बाकी की लिस्ट का कुछ भी नहीं होना बाकी लिस्ट अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाइए आर की तैयारी में लग जाइए टाइम वेस्ट मत करिए क्लियर बाकी स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट मत करिए अदर एग्जाम में लग जाइए इनका आएगा सबका और ये नीचे वाले भी मेडिकली तो बुलाए जाएंगे बट इनके चांसेस भी कम ही है क्योंकि भाई ऊपर वाले बच्चे पहले सेलेक्ट होंगे मार्क्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट होते हैं क्लियर चलिए अब मैं बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी की ये ग्रीन वाले जो पोर्शन है आपका ये हाई प्रायोरिटी पे रहेंगे और ये सारे बच्चे मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे अपना लिस्ट में नाम चेक करिए और देखिए आपका मेडिकल में नाम आ रहा है कि नहीं क्लियर ये अंडरस्टैंड इसमें देखिए 269 सिक्सटी नाइन सारांश ने टॉप किया है इसमें ओबीसी कैटेगरी में होम स्टेट की बात हो रही है होम स्टेट की पहले मैं होम स्टेट को कवर करूंगा और मेल की बात हो रही है होम स्टेट एस कैटेगरी में ये सारे बच्चे मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे ये सारे मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे ये ये एस एस टी कैटेगरी में सारे बच्चे मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे सारे मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे वन रेशो थ्री में सेलेक्ट होते हैं वन रेशो थ्री में अब देखो मान के चलिए एस टी कैटेगरी में होम स्टेट में कितनी वैकेंसी है दिखाता हूँ मैं देखा यहाँ से आइए एक बार एस टी में चार वैकेंसी है ठीक है होम स्टेट में चार वैकेंसी है तो होगा क्या देखो यहाँ से ये जो चार वैकेंसी है ना तो ऊपर के चार बच्चे बुलाए जाएंगे वन टू थ्री फोर चार बच्चे सेलेक्ट होंगे बुलाने इनको ट्वेल्थ थे लेकिन ट्वेल्थ बच्चे इनको एस कैटेगरी में मिले नहीं तो इन्होंने सारे ये बच्चे सारे आ जाएंगे लिस्ट में लेकिन ये शुरू हुए चार बच्चे ही फोर बच्चे ही फाइनली सेलेक्ट होते हैं अगर मेडिकली फिट होते हैं अगर मेडिकली अन फिट है तो फिर नीचे वाले का भी नंबर आ सकता है किसी का तो ये सारे बच्चे मेडिकल के लिए तो इनको जाना ही है अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनाने में भी टाइम लगता है ये डिफेंस कैटेगरी में है होम स्टेट में अमेठी में यूपी ये सारे मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे क्लियर अमेठी यूपी में अब बात कर रहा हूँ मैं अदर स्टेट्स की अदर स्टेट्स से जिन्होंने अदर स्टेट से बताया तो टोपर हर्ष कुमार मिश्रा रहे हैं टू सेवेंटी फाइव मार्क्स से इनके भी तो ये सारे बच्चे आपके जनरल कैटेगरी में बुलाए जाएंगे अदर स्टेट से मेडिकल के लिए ये वाले फिर आपके ओ तो कैटेगरी में ये लिस्ट अपना नाम इस लिस्ट से देखिए वीडियो को पोज करके अपने लिष्ट लिष्ट से चेक करिए इस नाम को ये सारे बच्चे बुलाए जाएंगे और ये ऊपर के जो बच्चे हैं ये ध्यान रखना ये ऊपर के बच्चे ये फाइनली सेलेक्टेड वाले बच्चे हैं क्योंकि अदर स्टेट्स में मेल में एस कैटेगरी में चार वैकेंसीज हैं ये फोर वैकेंसीज है इसलिए ध्यान रखना अगर फोर वैकेंसी है तो इनका नंबर आ जाएगा सारों का आ, ये सारे बच्चे देखिए ये, ये है एस टी कैटेगरी में ये बुलाए जाएंगे अदर स्टेट से ये मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे डिफेंस कैटेगरी से अदर स्टेट से यूपी के लिए अब मैं बात करता हूँ फीमेल अमेठी अमेठी में ये तो मेल हो गया फीमेल टॉपर अदित्य सिंह ने इन्होंने फीमेल का देखिए रिजर्वेशन बहुत कम हो रहा है इसमें इसमें सरकार को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि रिजर्वेशन में सही नहीं बैठे इतने सारे बच्चों ने मार्क्स ले, लेकिन शुरू के आई थिंक तीन चार बच्चे ही क्योंकि एक से दो वैकेंसी होती है बस फीमेल की टेन वैकेंसी होती है उसको डिवाइड करेंगे तो वन 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 के रेशियो में आएगी तो ये यहाँ तक ही बच्चे सेलेक्ट हो पाएंगे बुलाए मेडिकल में कितने यहाँ तक जाएंगे आप मान के चलिए दो एट सीरियल नंबर तक वन टू भाई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट तक बुलाए जाएंगे बस मेडिकल के लिए ओनली एट ये नीचे की लिस्ट में कोई मतलब नहीं है ठीक है तो यहाँ पे गर्ल्स का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सैनिक स्कूल में क्योंकि रिजर्वेशन कम है रिजर्वेशन इक्वल होना चाहिए भाई टेन गर्ल्स ही जा सकती है तो रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली कम हो गया इसमें भी मान के चलिए शुरू के चार पाँच बच्चे बुलाए जाएंगे बस मेडिकल के लिए नीचे का कोई मतलब नहीं है ये आपका आ, ये होम स्टेट में मे फीमेल का चल रहा है ये फीमेल का है होम स्टेट का इसमें भी शुरू के मान के चलिए कि दो तीन बच्चे बस इसमें एक दो बच्चे शुरू के बस स्टार्टिंग के दो तीन बच्चे से ये तो ये इस तरह से चले जाना है और अब ये आ गया जनरल कैटेगरी में आ गया अदर स्टेट में इसमें शुरू के ये गर्ल्स का चल रहा है शुरू के दो तीन बच्चे से ज़्यादा चार से पच्चे से ज़्यादा नहीं बुलाए जाएंगे ठीक है आप में ये मान के चलिए वन थ्री होता है तो हर एक कैटेगरी में वन वन वैकेंसी होती है फीमेल में तो प, तो होम स्टेट में हर एक कैटेगरी में मान तो के चलिए तो कितनी वैकेंसी वन वन के करीब मान के चलिए तो वन का तीन गुना तीन तो शुरू ती, के तीन से चार रोल नंबर तक ही बुलाए जाएंगे बस हर लिस्ट में चाहे वो मेल की हो चाहे फीमेल की जो लिस्ट है इनमें जो ये लिस्ट है शुरू के तीन से चार रोल नंबर तक बुलाए जाएंगे मेडिकल के लिए फाइनली तो एक सेलेक्ट होगा फाइनली तो एक 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 या दो सेलेक्ट होंगे बस क्लियर लेकिन मेडिकल के लिए ये बुलाए जाएंगे क्लियर चलिए ये हो गया ये लिस्ट है ये हो गया यहाँ से अपना चेक कर जैसे यहाँ पे एक ही बुलाया गया तो जैसी बात है अगर ये फिट हो गया तो एक ही सेलेक्ट हो जाएगा मैंने तीन बुलाया तो एक सेलेक्ट होगा गया यहाँ से अब बात करते हैं मेनपुरी अमेठी हो गया मेनपुरी सेम वेकसी अस्सी अस्सी वैकेंसी है इनको डिवाइड कर लिया हमने ऐसे ये डिवाइड हो गए अब देखना यहाँ से देखो अभी तो टेन वैकेंसी है ना गर्ल्स की ये एक एक आ जाती है एक एक वैकेंसी आती है इसमें एक एक बस तो इसलिए ज्यादा रिजर्वेशन है नहीं बहुत कॉम्पिटिशन टफ है एक एक बच्चे ही सेलेक्ट होती है यहाँ पे देखो डिफेंस की तीन है दो है तो अगर डिफेंस की देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं जनरल की इक्कीस है तो ट्वेंटी थ्री बच्चे मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे 63, और यहाँ पे 63 की लिस्ट है लेकिन ऊपर के ट्वेंटी वन ही सिलेक्ट होंगे ऊपर के ट्वेंटी वन ही सिलेक्ट होंगे ये अराउंड ट्वेंटी ये ऊपर वाले सिलेक्ट होंगे अगर मेडिकली फिट होते हैं है, मयंक कुमार चौधरी ने टॉप किया कंग्रेचुलेशन मयम मैन चौधरी टू सिक्सटी सिक्स मार्क्स है मैनपुरी से है यूपी है ना ये वाला हो गया आपका पूरा कैटेगरी वाइज और आ, ये देखिए ये सारा इनका ये सारा आपका चलता है चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं तो ये होम का हो गया ये फिर ओ कैटेगरी हो गया होम स्टेट से इसको देख सकते हैं यहाँ से ये पूरी लिस्ट है आप इस लिस्ट को पूरा वेरीफाई कर लीजिए ये लिस्ट है अभी अब आपको अब आपको तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा यहाँ से चेक करिए एस कैटेगरी में ये हो गया पूरा यहाँ से ये बच्चे मेडिकल ये मेडिकल वाली लिस्ट डाली है मैंने फाइनली ऊपर वाली है फाइनली ऊपर वाली है वैकेंसी के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका ये वाला ऊपर और ये हो गया देखिए अदर स्टेट की बात चल रहे हैं ओबीसी में और ये हो गया आपका एस सी कैटेगरी में मेनपुरी मेनपुरी सैनिक स्कूल यूपी में जो आपका है अदर स्टेट में एस टी कैटेगरी ये आपका अदर स्टेट में ये हो गया ये लिस्ट से आप अपने नाम को मैच करिए क्लियर इस लिस्ट से आप अपने नाम परी चौहान इन्होंने टॉप किया है फीमेल मेनपुरी यूपी होम स्टेट से इन्होंने टॉप किया है फीमेल कैटेगरी में टू सिक्सटी दो सौ साठ मार्क्स हैं इनके दो सौ साठ बहुत अच्छे मार्क्स हैं लेकिन शुरू के दो तीन बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे ज़्यादा इसमें वैकेंसी नहीं है एक दो वे वैकेंसी मन के लिए तो ये पूरी लिस्ट है इसको पूरी लिस्ट को आप देख लीजिए और अपने नाम को सर्च करिए कहाँ आपका रैंक आ रहा है अगर आपका यहाँ रैंक आ रहा है तो मुश्किल हो जाएगा गर्ल्स के लिए तो गर्ल्स के लिए तो एटलीस्ट कोई चांस नहीं है इसमें यहाँ तक ये हो गया पूरी लिस्ट हो गई देखिए ये ये हो गया आपका यस ये आपका होम स्टेट एस कैटेगरी फीमेल देखिए यहाँ पे एक बच्चा है तो एक सेलेक्ट हो जाए दो ले रखी इन्होंने ये पूरी दो सौ अट्ठारह ये ये है पूरी लिस्ट अब फीमेल मेन पूरी अदर स्टेट ये हो गया फीमेल का आ गया अदर स्टेट का ये लिस्ट है ये लिस्ट है ये लिस्ट अब आप आराम से देखो ये एक बच्चा है तो एक ही सेलेक्ट हो जाए तो क्योंकि वैकेंसी एक है तो एस में वैकेंसी एक है तो एक है तो एक ही मेडिकल के लिए बुलाया है एक ही सेलेक्ट हुआ है इवन बच्चा ही एक ही सेलेक्ट हुआ एक ही में नहीं आई थिंक मैं पेपर दिया है वो एक ही एक ही पेपर देने गया है इसलिए जो भी है दिव्या ये हो गए यस अब आते हैं आ, सैनिक स्कूल झांसी झांसी की बात करते हैं ये ये बिल्कुल सेम वैकेंसी अस्सी दस के रेशों में ऐसे हमने उनको डिवाइड कर लिया वैकेंसी हैं ये रिजर्वेशन रिजर्वेशन इस परसेंटेज में होता है रिजर्वेशन ठीक है रिजर्वेशन इस परसेंटेज में होता है होम स्टेट में सिक्सटी सेवन थर्टी थ्री में डिवाइड करके फिर ऐसे निकलता है और अब सैनिक स्कूल झांसी की बात करें तो ये देखिए ये हो गया आपका टू एट्टी फाइव क्या देखो क्या आई थिंक ऑल ओवर इंडिया का टॉपर भी आ, ये ही है ये जो होम स्टेट के बच्चे हैं क्या नाम है इनका आर्यन प्रताप सिंह आर्यन प्रताप सिंह ऑल ओवर इंडिया टॉपर भी हैं कंग्रेचुलेशन आर्यन आपने कमाल कर दिया आर्यन प्रताप सिंह ऑल ओवर इंडिया का टॉपर है आर्यन प्रताप सिंह -E टू एट्टी फाइव मार्क्स है क्लियर टू एट्टी फाइव मार्क्स है और इसके अलावा मैं ये अगर मैं देखूँ इसको ये सारी लिस्ट हो गई ऊपर की ये ऊपर की लिस्ट हो गई और ये नीचे के बच्चे हैं ये नीचे के बच्चे हैं तो फाइनली अगर ये ये सारे मेडिकल के लिए जाएंगे यहाँ से लेके यहाँ तक सब मेडिकल के लिए बुलाए जाएंगे अब लेकिन इसमें से ऊपर से चलेंगे फिर हम मान के चलिए सारे बच्चे मेडिकल के लिए बुला लिए ठीक है यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं अब ऊपर की तरफ से जितने बच्चे फिट हैं मेडिकल में फिर उनका नंबर पहले आएगा और लास्ट वालों का बाद में ये हो गया यूपी ये आपका कौन सा हो गया होम स्टेट में ओबीसी कैटेगरी ये ओ की लिस्ट हो गई ओ बी यहाँ लिखा हुआ ओ बी ये फिर आपकी एस सी कैटेगरी की होगी होम स्टेट की बात कर रहे हैं अभी झांसी की हम ये होम स्टेट की एस की बात कर रहे हैं मेल की बात हो रही है और ये भी ध्यान रखना ये लिखा हुआ मेल और फिर ये होम स्टेट की डिफेंस कैटेगरी की बात होगी इसमें आप अपनी लिस्ट में नाम चेक करिए अब मैं बात करूँ तो अदर इस्टेट की ये जनरल इस्ट जनरल कैटेगरी में हो गई अदर स्टेट झांसी मेल में बात हो रही है अभी ये ओ हो गई अदर स्टेट ये फिर अदर स्टेट एस हो गया फिर अदर स्टेट एस हो गया फिर ये डिफेंस हो गया अदर स्टेट झांसी में मेल में बॉयज़ कैटेगरी में अब मैं बात करूँ फीमेल की ये अध्यय हो गया तो अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी में वैशा वैशाली गुप्ता ने टू सिक्सटी नाइन मार्क्स है बहुत अच्छे मार्क्स है इस बच्ची के और ये हो गया ये अदर स्टेट से हो गया ओबीसी कैटेगरी से तो यहाँ से लिस्ट से आप अपना चेक कर लीजिए अगर ऐसा नहीं मिलता नाम अगर आपका यहाँ के आसपास मार्क्स नाम है तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए ये फीमेल यूपी अदर स्टेट का हो गया देखिए एस कैटेगरी में और ये आपका फीमेल डिफेंस कैटेगरी में हो गया क्लियर होम स्टेट का फीमेल का अब मैं दिखाता हूँ अदर में अदर स्टेट में जनरल कैटेगरी में ही होगा दिव्या आस्था सिंह टू सिक्सटी नाइन बच्ची इसका सिलेक्शन हो जाए क्योंकि एक वैकेंसी है अगर इस ये बच्ची अब देखो ये पहले वाला सीरियल वाला अगर सही होती है बच्चे दिव्या आस्था सिंह अगर इसका सही होता है तो ये सिलेक्ट हो जाएगी नहीं तो ये नहीं फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा इसका नंबर ऐसे आता है इसमें ठीक है लेकिन वैकेंसी एक ही है एक ही वैकेंसी आप इसको ये मान के मान के मत चलिए बीस तीस वैकेंसी एक वैकेंसी ओनली ठीक है अनुप्रिया पटेल दो सौ अड़तालीस ये हो जाएगा आपका छाया रानी दो सौ सैंतीस श्वेता कुमारी तो एक सौ चौरसठ ये सारे देखो ये हो गया एक बच्चा ऊपर का सेलेक्ट होगा और ये हो गया आपका फीमेल डिफेंस में ये आपका दो सौ चौबीस तो मैंने यूपी का सारा आप अपनी यूपी के जो भी बच्चे हैं जिन्होंने यूपी में एग्जाम दिया वो यहां से अपनी लिस्ट को चेक करिए जल्दी से मैं अर, अदर स्टेट्स की भी लेके आऊंगा सारे अलग अलग स्टेट्स की एक एक बच्चा अपना मेडिकल में नाम चेक करिए इन लिस्ट में आपका मेडिकल है अगर इन लिस्ट में आपका नाम है तो आप मेडिकली आपको कॉल आएगी वन हंड्रेड परसेंट क्लियर वन हंड्रेड परसेंट कॉल आएगी आपको मेडिकली गर्ल्स की नहीं मैं बॉयज की बात कर रहा हूँ अगर आप कहने लगे सर मेरी ये जैसे ये मेरा तो कॉल आया नहीं वन रेशो थ्री में आएगा भाई ऊपर का थ्री बस यहाँ तक कॉल आएगा यहाँ तक ठीक है यहाँ तक वैकेंसी एक ही है फीमेल की डिफेंस में वैकेंसी एक ही है अदर स्टेट की तो यहाँ तक तो वन वन रेशो थ्री में आएगा बस मतलब ये तीन बच्चे बुलाए जाएंगे तीन शुरू के बस लेकिन बॉयज वाले में वो पूरी लिस्ट जो मैंने आपको दी है यहाँ पे भी देखो ये तीनों के आएंगे जो बॉयज वाली कैटेगरी में तो पूरी लिस्ट यहाँ पे इन, इन, इनका मेडिकल इनका कोल नहीं आएगा इनका आएगा बस ठीक है आई होप आपको समझ में आई होगी बात आ, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए कोई भी डाउट हो सर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गलत दी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बत, बताइए सर मैं सेटिस्फाई ना देन आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेरी और वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लीजिए क्योंकि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जितनी भी हमारे चैनल पर सबसे अच्छी आती है आर आई एम एस सी का एग्ज़ाम आपका नज़दीक है जून में है आर एम एस का एग्ज़ाम है गियर अप एग्ज़ाम के लिए तैयार रहिए तैयारी करिए अच्छे से यहाँ से अपनी लिस्ट में चेक करिए अगर यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं है तो आर एम एस की तैयारी में जुट जाइए कोई डाउट हो इन नंबर पर कॉल करिए व्हाट्सएप करिए दी जा रहा है ऑफिशियल नंबर सो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट स्टेट के चार्ट में कट ऑफ चार्ट में Uh, so thanks for watching.